हेलो गाइज, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम टू एडिटॉक एकेडमी। सो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलने वाला है जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कितने रैंक पर आपको कौन सा ट्रेड मिलने वाला है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो उस वीडियो, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का कोर्स परचेस नहीं किया है जो कि 30 रुपीज़ का है, उससे आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का 90% सिलेबस कवर होने वाला है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो उस कोर्स का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसे परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल कितने सीटें हैं, दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें कन्फर्म है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें कन्फर्म है, जनरल के लिए कितनी कन्फर्म है, ओबीसी के लिए कितनी कन्फर्म है, तो सारी कैटेगरी वाइज के सीटें बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का जो टोटल सीट है वो 5064 सीट है, जिसमें से 85% दिल्ली वालों के लिए कन्फर्म है जो कि है 4304 सीटें, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 50% सीटें कन्फर्म है जो कि है 760। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि दिल्ली वालों के लिए कितने कन्फर्म सीटें और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें कन्फर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का क्या मतलब है। अगर आपने 10th दिल्ली से पास आउट किया, यानी कि दिल्ली के स्कूल से पास आउट की है, तो आप दिल्ली के हैं। अगर आपने स्कूल अपने 10th आउटसाइड दिल्ली वाले स्कूल से पास आउट की है तो आप आउटसाइड दिल्ली के हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप दिल्ली से हैं या आउटसाइड दिल्ली से हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1926 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1303 सीटें हैं, एससी के लिए 774 सीटें हैं, एसटी के लिए 393 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 484 सीटें हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो जनरल और सारी कैटेगरी वाइज सीटें तो बट गई, लेकिन अब ये सारी सीटें फुल तो होने वाली है नहीं, ठीक है। तो मान लिया कि जनरल वालों में से 50 सीटें बच गई, ओबीसी वालों में से भी 10-20 बच गई, एससी वालों में से भी 10-20 बच गई, एसटी वालों में से भी 5-6 बच गया, ईडब्ल्यूएस में से भी 10-15 बच गई। तो अब क्या होगा कि जितने भी सीटें बच गई, चार काउंसलिंग होती है इसमें, दिल्ली पॉलिटेक्निक में चार काउंसलिंग होती है। अगर आपको ये पता नहीं है इसके प्रोसेस के बारे में, तो मैंने इसके प्रोसेस फॉर्म फिल होने से एडमिशन होने तक का एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चार काउंसलिंग होती है, अगर ये चार काउंसलिंग में ये सारी सीटें फुल नहीं होती है तो क्या आता है, एक स्पोर्ट राउंड होता है, उसमें सिर्फ दिल्ली वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी सीटें बच जाएंगी वो सारी इकट्ठे हो जाएंगी और वो किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं होगी, वो सारे मतलब कि उसे कोई भी ले सकता है, जनरल वाला भी ले सकता है, ओबीसी वाला भी ले सकता है, एससी एसटी जो भी, लेकिन उसमें एसटी और ओबीसी और इन जो भी कैटेगरी है ना, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना वो नहीं लगेगा, वो जनरल के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। आप कॉलेज में वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन उस स्पोर्ट राउंड के समय उसका उस सर्टिफिकेट का यूज़ होकर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो सारी सीटें जनरल एक जनरल बेसिस के भी ऊपर है, ठीक है। तो उसमें आउटसाइड दिल्ली वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ दिल्ली वाले रहेंगे। तो उसमें क्या रहता है ना कि जिनका रैंक अप टू 10,000 है ना, उनका भी इजीली से एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो भी अच्छे ट्रेड में, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। लास्ट ईयर ना 8,000-9,000 रैंक तक वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, वो भी अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो जीबी पंत में हुआ था, गुरु नानक में हुआ था, पूसा तक में हुआ था, ठीक है। पूसा कहाँ अंडर 1000 तक वालों को लेती है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, स्पोर्ट राउंड में 8000 तक वालों को भी ले लिया था, क्योंकि सीटें बच गई थी, अब उसे कैसे भी फुल करना था। तो एडमिशन तो आपका 8000 तक रैंक स्पोर्ट राउंड में इजीली हो जाएगा अगर सीटें बचती हैं तो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में इंटरेस्टेड है और करना चाहता हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है।